हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चाइनी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? सभी को शुभ संध्या। आइए फटाफट, आपके टाइम हो चुकी है। आप लोग आजकल क्लासेस देख नहीं रहे हैं, सुबह भी मैंने अपडेट किया था आप लोगों को टेलीग्राम पर। क्या हो रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है या ऊब गए हैं आप लोग? डेली टाइम पर आइए, पढ़िए, प्रयास करिए, क्योंकि चीज़ें हैं, पेपर देना पड़ेगा। सब्जेक्ट कैसा भी हो, बोरिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको उसको पेपर ही देना है, सारी चीज़ें करनी है। इसलिए कोशिश करिए कि आइए टाइम पर। बहुत सारे लोगों को, आपको कल मैंने पोल करवाया था भेज ग्रुप में, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन भी किया है। आप लोग वहाँ पर अलग नेम से रहते हैं, यहाँ पर अलग नेम से रहते हैं, इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन। जो सेम नेम यहाँ पर है, वही सेम नेम जब आपका वहाँ पर मुझे दिखेगा, तभी हम आपको वहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चे जो है रिक्वेस्ट सेंड कर चुके हैं, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। इसलिए आप सेम नेम पर, जब तक वहाँ पर आप यहाँ जैसे दूसरे नेम से, वहाँ पर दूसरे नेम से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस नेम से हो? तो आप वही सेम नेम अगर मुझे वहाँ पर दिखेगा, तभी यहाँ पर जो शालिनी मौर्य और एक आध दो बच्चे हैं, महिमा करके कोई है, जो भी एक दो बच्चे बोल रहे हैं डेली, वहाँ पर उनका वो नेम नहीं दिखता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न है। आप लोग जब तक सेम नेम से वहाँ पर नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डेली क्लासेस आएंगे तभी आपको वहाँ पर ज्वाइन भी किया जाएगा, नहीं तो ज्वाइन नहीं किया जाएगा, सिंपल सी बात है। और आप ज्वाइन वहाँ पर करेंगे तो आपको पोल के क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर बड़े वाले चैनल से हट के यहाँ पर डाली जाती है, ताकि आपको चीज़ें मिलती रहे, क्योंकि वहाँ पर मिक्सर हो जाता है। ये बात के लिए वो मैंने अलग से बनाया था, जिसके लिए आप लोग को बोला है कि सेम नेम से रिक्वेस्ट करोगे तभी एक्सेप्ट होगा, ठीक है? तो इस बात के लिए जो आप बार बार रोज़ कहते हैं कि ऐड कर लीजिए, ऐड, मैं तभी ऐड कर पाऊँगी जब सेम जो सेम नेम से है वहाँ पर, जो यहाँ क्लासेस कर रहे हैं, दिखते हैं, डेली आते हैं, उनको वहाँ पर ऐड किया गया, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई बच्चे रिमूव हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप सेम नेम से नहीं रहेंगे, डेली क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर आपको वहाँ से रिमूव भी किया जाएगा। बहुत ही क्लियरली बात है, आपके लिए क्लासेस चल रही है, तो आप जब आएंगे, रिस्पांस मिलेगा, तभी तो मैं आपके लिए उसी मोटिवेशन के साथ नया वीडियोस बनाऊंगी, नया करूंगी, वरना मेरी एनर्जी भी तो स्लो डाउन हो जाएगी। पेपर तो आपको देना है, मुझे तो सिर्फ आपको बताना है, हिंट देना है, गाइडेंस देना है कि कैसे क्या करना है आपको। क्लियर? सही कह रही हूँ ना बात? समझ में आ रही है आप सभी को? चलिए, आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आपको अपने डेली क्लासेस में आप साथ में मिलते हैं, हम लोग क्लासेस करते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। आज की जो ये क्लास है, ये आपका एजुकेशन पेपर 2 है, 50 नंबर का पेपर है। पहले दिन ही पेपर दूसरी मीटिंग में होगा, 40 नंबर का इसमें जो है, 50 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का पेपर होगा। आपको 25 नंबर इसमें पासिंग लेके आना है। अच्छा सब्जेक्ट है, बैक फिलहाल नहीं लगती है, लेकिन पिछले साल कुछ बच्चे अच्छे अच्छे महान दिग्गज बच्चे थे, इसमें भी बैक लेकर बैठे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि पढ़िए, अच्छा स्कोर कर सकें इसमें। मतलब जो परसेंट का एक लेवल क्रिएट होता है, वो 50 नंबर वाले सब्जेक्ट से ही बनता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए पढ़ते हैं आगे, आज की इस क्लास को देखते हैं। जो भी आज पहली बार आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, एंड तक देखिए, फीडबैक दीजिए, कोई प्रॉब्लम होती कमेंट बॉक्स में पूछिए। यही एक सोल्यूशन है, जैसे मैं आपकी हर एक हेल्प कर सकती हूँ। चलिए देखते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये आपका चैप्टर शायद 6th या 7th ऐसे कुछ है, ध्यान रखिएगा। चैप्टर नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, ध्यान से देखना, काफ़ी बढ़िया चैप्टर है। अब आपको ये भी आपका जो सब्जेक्ट है, इसे जनवरी में हम कोशिश यही रहेगी कि इसको भी ओवर कर दें, तो आपके 4 सब्जेक्ट ओवर हो जाएंगे। आप प्रॉपर तरीके से आइए, पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तभी मैं कर पाऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स? चलो, जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या है, ठीक है? बहुत सिंपल सी बातें आपसे पूछी जा रही हैं, वो ये पूछी जा रही है कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, अब यही आपको बताना है। ये कभी कभी आपको जो एग्जामिनर आते हैं वो भी बहुत पूछ लेते हैं, इनसे माइक्रो टीचिंग का एक प्रशिक्षण भी दिया जाता है किन्हीं किन्हीं कॉलेज में। आप सभी फ्रेंड्स को एक बात ये बतानी थी, आप लोग के कॉलेज में यूनिट टेस्ट अगर होगा तो सारे बच्चे देने ज़रूर जाइएगा, ठीक है? नागा मत करिएगा और बंक मत मारिएगा और कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा, कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो ज़रूर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि उसी के बेस पर प्रैक्टिकल नंबर टीचर देते हैं कॉलेज वाले, वो बहुत ज़रूरी होता है, और आपको एक आइडिया भी लगता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो। तो यूनिट टेस्ट सभी बच्चों को देने जाना है, ठीक है? वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक? चलो, अब देखो ये माइक्रो टीचिंग होती क्या है, काफ़ी बढ़िया है, प्रश्न बहुत बनता है इनके बारे में, डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊँगी, बताऊँगी। आइए देखते हैं, माइक्रो का मतलब ऐसे भी आप जैसे छोटा, मिनी, स्मॉल, संकुचित समझ ही रहे हैं ना, वही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखते हैं, यह शिक्षण प्रक्रिया का संकुचित रूप होता है। जो शिक्षण प्रक्रिया एक चलती है, समझाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, उसका एक संकुचित छोटा रूप है, एक संक्षिप्त रूप है। किसका?
शिक्षण की जो प्रक्रिया चलती है मतलब है कुछ नहीं। जैसे जो देखो मैं पहले मोटा मोटा बता दूँ फिर पूरी थ्योरी बताऊँगी समझ में आएगा। माइक्रो टीचिंग का मतलब है कि जैसे कोई एक टीचर है, देखो कोई टॉपिक अगर कोई पढ़ा रहा है, कोई चीज़ की टॉपिक भी एक्सप्लेन किया जाता है, तो उस टॉपिक को आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन पढ़ाओ और एक टीचर उसी टॉपिक को एक दिन में कवर कर दे और आपको इस पाँच दिन में भी वो चीज़ें समझ में आ रही हैं और एक दिन में भी समझ में आ रही हैं, तो बेस्ट कौन सा हुआ? एक दिन वाला ना। इससे क्यों बेस्ट हुआ? क्योंकि आपका समय बचा, टीचर की एनर्जी बची, फिर आप जब एक दिन में सीख गए तो बाकी चार दिनों में आप कुछ और चीज़ सीख पाओगे ना। अब एक ही टॉपिक पे एक टीचर की स्किल थी उसने पाँच दिन में पढ़ाया और एक टीचर की स्किल थी उसने माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करके एक दिन में पढ़ाया, तो ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है कि ये भी पढ़ाने की एक पद्धति ही है, ये भी पढ़ाने का ही एक तरीका है। सिर्फ फ़र्क दोनों में इतना है कि जो शिक्षण चलता आ रहा है और जो चलता चलता रहेगा वो लॉन्ग टर्म में चलता है। इसीलिए देखिए एक साल का हमारा एक साल होता है, मतलब जो हमारी जैसे एक साल पूरा ओवर होता है उतना ही साल हमारा पढ़ाई का, हमें एक साल पूरा चार साल क्लास फोर्थ पढ़ते हैं, एक साल हम पूरा फिफ्थ पढ़ते हैं, सिक्स पढ़ते हैं, टेंथ पढ़ते हैं, ट्वेल्थ पढ़ते हैं, एक साल का टर्म चलता है। और उसी जगह कोई कोर्स चीज़ें होती हैं तो वो छः महीने में रहती है, तो आपको ये समझने का प्रयास करना होगा कि क्या कह रहा है। जो शब्द माइक्रो टीचिंग दिया गया था वो कुछ समझ में आया? अब आइए पहरा पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। यह एक शिक्षण की प्रक्रिया है, संकुचित रूप होता है, मतलब पढ़ाने के तरीके का एक छोटा रूप है जिसको नाम दे दिया गया है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। ये छात्रों की संख्या और समय की अधिकता को कम कर सकता है। जो छात्रों की ज़्यादा संख्या है, अब ढेर सारे बच्चे हैं, बहुत समय लगने वाला है, तो उनकी अधिकता को कम कर देता है। इसका निर्माण छात्रों में शिक्षक कौशल को विकसित करने के लिए किया गया था। ये जो माइक्रो टीचिंग है ना, ये बड़े स्तर पर लागू होती है पहली बार। इसका जो निर्माण किया गया है वो छात्रों में शिक्षक का जो एक कौशल है उसको डेवलप करने के लिए किया। जैसे टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, आप डीले सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग देने का सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाया जाता है, उसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पी मोस्ट कार्यक्रम है, डीपीईपी कार्यक्रम है, बीईपी का बहुत सारे कार्यक्रम है, बताएंगे सब आपको सेकेंड सेमेस्टर में। सरकार क्या करती है, जब जैसे अभी सुनने में आया था पिछले साल दो साल पहले कि जो प्राइमरी स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम वाला भी बन रहा है, बहुत जगह बना भी, मैंने भी देखा काफ़ी बढ़िया बना, टाइल्स वाइल्स भी बड़े बकायदे लगी हुई है, तो वो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब वहाँ पढ़ाने के लिए कुछ नए टीचर्स लाने थे। अब नई भर्ती तो रिसेंट में तो आई नहीं कि नए टीचर्स आ जाएंगे, प्राइवेट स्कूल थोड़ी है कि नया आप लेके खोज के कर लो। तो उन्होंने क्या किया कि जो पुराने टीचर्स थे उनको ही ट्रेनिंग दिलवाई, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश बैकग्राउंड के अच्छे अच्छे टीचरों को लेकर इन सारे टीचर्स को एक एक महीने का हर स्कूल से दो दो तीन तीन टीचर को उठाया गया और वहाँ से प्रशिक्षण दिलाया गया, जहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम मॉडर्न प्राइमरी स्कूल खुला। तो वो जो शिक्षण दिया गया वही चीज़ ये माइक्रो टीचिंग, वहाँ पर माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक ही महीने में बहुत सारी चीज़ों को सिखाना है और वो टीचर रहते हैं, वो मतलब पहले तो स्टूडेंट रहे, एक दो साल टीचिंग किए हैं, नई नई नौकरी लगी हुई है, उन्हीं लोगों को जो नए नए बच्चे थे उनको ज़्यादा हायर किया गया क्योंकि वो थोड़ा जल्दी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो वहाँ पर जो है ये माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल करके ये प्रशिक्षण दिया गया था। तो जैसे कि अभी आप जो प्रशिक्षु हो, आप स्टूडेंट एक प्रकार से नहीं हो, आप प्रशिक्षु हो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हो। डीएलएड के जो कोर्स में ये बाल विकास शिक्षण अधिगम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाए, क्योंकि जब आपकी नौकरी जब भी लग रही है, आप प्राइमरी में जा रहे हो तो वहाँ क्या करना है कैसे करना है वही चीज़ आपको इस दो साल में सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग ले रहे हो आप, समझ रहे हो ना आप लोग। तो वही चीज़ है कि जब प्रशिक्षण दिया जाता है तो इस तरीके का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे कह रहा है कि जब छात्र अध्यापक शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करते हैं तो उस समय उनके सामान्य छात्रों की उपस्थिति को सीमित कर दिया जाता है और यह लगभग जो है बड़े स्तरों पर पाँच या छः कर दिया जाता है, मतलब फिर ग्रुप वाइज बांट दिया जाता है कि आज इनका आज इनका आज इनका, दस लोग, बारह लोग, पचास लोग, ऐसे ऐसे पंद्रह पंद्रह बीस बीस लोगों को ग्रुप बना कर ऐसे मेनली छः छः सात सात लोग, फिर वो एक दूसरे को सिखाते हैं, बताते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। आगे चलिए, आएगा प्रश्न, काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। फिर क्या कह रहा है, तत्पश्चात छात्र अध्यापक अपना शिक्षण आरंभ कर देते हैं, इसलिए छात्र अध्यापकों की बात यहाँ पर लिखी है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है कि कम समय का शिक्षण, बहुत छोटी सी बात है कि बहुविकल्पी में प्रश्न कभी कभी बन जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखेंगे कम समय का शिक्षण।
जिसमें छात्र अध्यापकों में से एक एक शिक्षण कौशल का ज्ञान कर इस जो शिक्षण कौशल है उनके बारे में बताया जाता है एक एक करके। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग में छात्र अध्यापक से पाठ योजना का निर्माण करवाया जाता है। आप ये पाठ योजना क्या होती है, आपके हो सकता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में मेनली बनाने को मिलता है टीचिंग के दौरान, लेकिन फर्स्ट में भी कहीं कहीं मिलता है। तो ये पाठ योजना क्या होती है इसको मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे अगर आपके घर में कोई प्राइमरी में होगा तो आप जानते होंगे, नहीं होगा तो आप ये जान लीजिए कि चाहे प्राइमरी में टीचर रहे, प्रिंसिपल रहे, कोई भी रहे, जितने भी टीचर होते हैं वो पाठ योजना बनाते हैं पढ़ाई के दौरान। पाठ योजना वो होती है जैसे एक डायरी होती है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सी क्लास में गए, क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए, वो पूरी बात उसमें हमको एक रजिस्टर में हर एक टीचर को बनानी पड़ती है, क्योंकि अब वो हर एक महीने का जमा भी होता रहता है, क्योंकि चेकिंग हो जाएगी डीआईएस ऑफिस की तरफ से, बीएसए की तरफ से, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितने भी टीचर प्राइमरी में आज भी प्रेजेंट टाइम में है वो हर महीने का एक पाठ योजना, जिसको लेसन प्लान कहते हैं इंग्लिश में, वो बड़ा सा रजिस्टर लेके वो खुद भी बनाते हैं अपनी नौकरी के इंटरवल में। तो यही होती है पाठ योजना कि क्या बनाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, सारी चीज़ें। क्लियर, समझ में आई बात? तो कह रहा है कि छात्र अध्यापकों से पाठ योजना का निर्माण करवाया जाता है, बनाना सिखाया जाता है, वह शिक्षण करते हैं, फिर अध्यापकों और छात्रों से प्रतिपुष्टि लेते हैं। वो पहले शिक्षण करवाएंगे, शिक्षण करने के बाद प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेंगे। जैसे मैं कभी कभी पुस्तक को समझ में आया कि नहीं आया, तो वही चीज़ है, तो वो पढ़ाते हैं, उसके बाद फीडबैक देने को कहा जाता है। या प्रक्रिया दोबारा फीडबैक जब मिलता है तो कोई कहता है कि सर यहाँ पर त्रुटि है या यहाँ पर संदेह है, नहीं समझ में आया, कोई चीज़ें हुई, तो फिर वो चीज़ फिर से दोहराई जाती है, ठीक है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण का चक्र भी कहते हैं। एक माइक्रो टीचिंग की साइकिल भी होती है जो बार बार ऐसे, वो मैं साइकिल यहाँ पर आज लेना भूल गई थी, चलो आपको इमेज उसकी भेज दूंगी टेलीग्राम पर, नहीं तो अभी और पढ़ाएंगे तो हम दिखा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण प्रारंभ होता है, पढ़ाया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, फिर पुनः शिक्षण होता है, पुनः सब कुछ करवाया जाता है, फिर पुनः फीडबैक लिया, ऐसे 6 साइकिल रहती है। इसी साइकिल को हम माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण की साइकिल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं इसमें, ठीक है। अब उसमें कैसे कैसे इस, जैसे ये जो शिक्षण हो रहा है इसमें ऊपर बोला गया कि शिक्षण कौशल पर जोर दिया जाता है, समझाए, तो वो कौशल कौन कौन सा है, तो उसमें एक श्याम पट का कौशल आएगा, ठीक, उसमें एक पुनर्बलन का कौशल आएगा, उसमें एक प्रस्तावना का कौशल आएगा, उसमें एक व्याख्यान का कौशल आएगा, उसमें एक उद्दीपन का कौशल, बहुत सारे कौशल्स हैं। आपको 2-3 ही क्वेश्चन कौशल से प्रश्न बनेगा, लेकिन आप जानते रहो नाम वाइज की क्या है, क्या पता आपकी बार कुछ और पूछ ले, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं अलग तरीके से। तो कुछ बातें यहाँ तक समझ में आई? चलिए अब देखो, इतनी सिंपल सी जितनी बातें थी आपको परिभाषा लिखने को आएगी। अब आपको जैसे यहाँ पर कोई लिखना है तो आप पहले तो यहाँ शुरू कर लो। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का अर्थ होता है कि कम समय का शिक्षण जिसमें छात्र अध्यापकों को ये बताया जाता है। ऐसे 2-3 लाइन का, 1-2 नंबर का पूछेगा, लिखो। तो आप साइकिल जो है टेलीग्राम पर हम इमेज आज ही भेजेंगे, तो वो ऐसा साइकिल बना दो, लिख दो, ठीक है, वो हम समझा भी देंगे अभी फिगर के दौरान, तो दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, आगे आ जाओ। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो लोगों ने दी हैं सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। पहला है, एलन महोदय ने बोला, आप इनके जैसे एक बच्चे ने किसी ने पूछा था कि मैम नाम नहीं याद होता है तो क्या हम लोग कोई परिभाषा लिख दें और उनके आगे लिख दें इनके अनुसार। तो देखिए फ्रेंड्स, देखो डीएलएड में तो कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इतना किसी को नहीं याद रहता है। जैसे आपको मालूम कोई परिभाषा याद है और आप चाहते हो कि हम ऐसे लिखें कि इनके अनुसार है, तो आप भी किसी के अनुसार ऐसे नाम लिख के ऐसे लिख दो, क्योंकि वो किसी को याद फिलहाल नहीं रहता। लेकिन कोशिश करो कि याद कर लो, नहीं तो डीएलएड का तो हो जाएगा लेकिन टेट में ऐसे पूरा सही लिखना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। तो कोशिश करो कि आप उन्हीं का याद करो, अदरवाइज अगर कहता है किसी का स्पेशल का तो ठीक है, नहीं कहता तो आप इसको मत लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप परिभाषा पूछे तो आप ऐसे परिभाषा लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये ज़रूरी है कि यही लिखो। इसीलिए किसी बच्चे ने पूछा था इसलिए हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं ताकि डाउट क्लियर रहे। अब देखिए एलन महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है। जी हाँ, मतलब अगर कोई शिक्षण है जो मतलब 6 दिन में 1 हफ्ते में होने वाला है उनको, या आप उसको कोई बड़ा टास्क दिया गया है, आपको उसको बांट बांट के, तोड़ तोड़ के, छोटी छोटी क्रियाओं के रूप में उसको ओवर करना है, ठीक है। तो यही होता है, मतलब समस्त शिक्षण पूरे शिक्षण को खंडों में बांट कर जब कर दोगे तो वो काम आसान हो जाएगा और कम समय में लोग सीख भी पाएंगे। जैसे मतलब समझ रहे हो कैसे, जैसे कोई चीज़ पढ़ाई गई, छोटा सा बड़ा सा टॉपिक कोई पढ़ाना है तो हम अभी इतना ही सिर्फ पढ़ाए, ठीक, इतना पढ़ाए, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें से समझ में नहीं आया, कुछ बच्चों को डाउट हो गया, कुछ बच्चों को आ गया। अब अगर हम बिना, जैसे ये पूरा हमको पढ़ाना है, पूरा खाना जितना गोल गोल बना हुआ हमको पूरा, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ाया,
अब इसमें से सब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया है और मेरे ये दायित्व तो नहीं बनता है कि मैं यहाँ तक पढ़ा दी, अब आपसे ना फीडबैक लूँ, ना दोबारा रिपीट करवाऊँ, ना कुछ करवाऊँ और डायरेक्ट आगे बढ़ जाऊँ, तो ये तो फिर गलत बात है। इससे क्या होगा कि जो शिक्षण है वो कंप्लीट नहीं होगा, बच्चों को नहीं आएगा। अब यहीं पर जब मैं फीडबैक लूँगी, आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, तब एक अच्छा शिक्षण कहलाएगा ना, कि हाँ ये पूरा टॉपिक कंठस्थ होना चाहिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर फीडबैक वगैरह लिया जाता है, जब बच्चों को नहीं समझ में आता था तो पुनः शिक्षण करवाया जाता है, फिर पुनः फीडबैक लिया जाता है, जब सारे बच्चों की सहमति हो जाती है कि हाँ हमको इतना बॉक्स का कॉलम समझ में आ गया है, तब वो टीचर का रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आगे अब बढ़े। तो इसी तरीके से बार बार फीडबैक, बार पुनः शिक्षण, बार बार फीडबैक, पुनः शिक्षण, ऐसे करते करते ये पूरी चीज़ें निपटाई जाती हैं। तो यही था कि समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में जो बांटना था वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। तो एलन महोदय ने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन बताई, तो समझ में आया। आगे चलिए, दूसरी डेफिनेशन है शिक्षा विश्वकोश के अनुसार है, इन्होंने बोला कि माइक्रो टीचिंग वास्तविक निर्मित तथा अध्ययन अभ्यास का न्यूनीकृत, जो न्यून होता है, एक अनुमाप है, जिसमें शिक्षक का पहले प्रशिक्षण देता है, फिर पाठ्यक्रम का विकास होता है, अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। आप प्रशिक्षण दोगे, पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट होगा, पाठ्यक्रम के बारे में सारी बातें बताओगे और वो अनुसंधान में प्रयुक्त किया जाएगा। ये इनका एक अपना, सबका अपना है, लेकिन एलन महोदय वाला ज़्यादा बेस्ट था। परिभाषाएँ ढेर सारी हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, आप जो इम्पोर्टेंट हम बोल रहे हैं वो ध्यान रखो, कि कुछ लोगों की परिभाषाएं फ्रेंड्स नहीं समझ में आती। जैसे इन्होंने एक पूरी बात क्लियर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की कि ये एक्चुअल में क्या कहना चाहता है, तो सारे लोगों की फेमस परिभाषा इसीलिए नहीं होती है, क्लियर। तो पहला वाला ज़रूर याद रखो। नेक्स्ट देखो, पीक व टक्कर महोदय, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि सूक्ष्म शिक्षण वीडियो टेप फीडबैक के प्रयोग से प्रमुख कौशलों के विकास को संकुचित रूप से जानने के लिए प्रयोगात्मक विधि की प्रणाली है। ये भी एक प्रणाली है, तरीका है। इसमें क्या हो रहा है कि टेप, वीडियो टेप फीडबैक, इन बताएं क्या होता है, मतलब सुन लो, ये जो बात इन्होंने बोली है बात सही है इनकी, इन जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई शिक्षण हो रहा है, तो शिक्षण में क्या होता है ना कि टीचर जैसे शिक्षण, जैसे टीचर ने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद आए, देने लगे अपना, मतलब आपको पढ़ाने लगे, तो वो चीज़ जो है ना रिकॉर्ड की जाती है। और जब वो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको BSA ऑफिस, DIS ऑफिस या जहाँ पर भी रहता है, अलग अलग जगह पे जांच के लिए भेजा जाता है कि क्या टीचर ये कैपेबल है पढ़ाने के लिए, करने के लिए, इन्होंने बच्चों को प्रशिक्षण दिया या नहीं दिया। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग होती है, जब वो रिकॉर्डिंग होती है और किसी बच्चे ने, जब उन बच्चों से रिकॉर्डिंग पूरी हो गई, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और मेरी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अब उसके बाद मैंने पढ़ाया, लेकिन मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या ये जो मैंने पढ़ाया समझ में आया, तब उसमें से अर्चना ने कहा कि नहीं मैम नहीं समझ में आया, ठीक है, दिव्या ने भी बोला कि नहीं मैम नहीं समझ में आया, तब अब अर्चना और दिव्या को या तो मैं छोड़ दूँ और या तो मैं अर्चना दिव्या को साथ में लेके चलूँ, तो इसके लिए क्या करूँगी। तो जब अगर कोई टीचर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है या कोई काम है, कुछ भी है, या ऐसा प्रोसेस लोग अपनाते हैं, देखो पढ़ाने का तरीका अपना अलग अलग होता है, तो वही चीज़ जो रिकॉर्ड करके की गई है ना, अब मैं क्या करूँगी, जैसे दो ही बच्चे हैं, दो ही दिव्या और अर्चना, इन दोनों को ही नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है, तो मैं दिव्या और अर्चना के लिए क्या करूँगी कि उन दोनों के लिए जो वीडियो मैंने अभी इतनी देर से पढ़ाया ना, उसको फिर से प्ले करवा दूँगी। तो वही चीज़ है कि वीडियो टेप का जो है रिपीट करवा के फिर फीडबैक में सुधार। अब दोबारा जब मैं पूछूंगी अर्चना और दिव्या से आया, तो अर्चना दिव्या बोलेंगे कि हाँ मैम हमको समझ में आ गया, तो हम क्या करेंगे फिर फीडबैक सबका ले लें, सबकी सहमति हो गई, अगर 10 बच्चे पढ़ा रही हूँ मैं और 10 को 10 बच्चे बोले कि हाँ समझ में आ गया, तब तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी ना। तो वही चीज़ है कि रिकॉर्ड करके ले लेते हैं। तो अलग अलग जैसे फ्रेंड देखो, कोई पढ़ा रहा है 1 घंटे से 2 घंटे से कोई पढ़ा रहा है, ठीक, अगर वहाँ पर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 बच्चों में से मान के चलो कि आधे बच्चों को सिर्फ समझ में आया, आधे को नहीं आया, टीचर ने अपना बेस्ट दिया, अब 1 घंटे के बाद अभी तुरंत हमें जाना भी नहीं, तो हो सकता है कि 10 मिनट का ब्रेक ले ले टीचर, लेकिन जो बातें 1 घंटे में उस टीचर ने बताई, फ्रेंड जब शुरुआत इंसान करता है ना तो अपना जोर लगा के करता है, अपनी पूरी एनर्जी लगा के करता है कि उसको हर पहलू को, लेकिन जब एक बार 10 बच्चों को नहीं, मान लो अगर चलो 15 को आ गया, 5 को सिर्फ नहीं है, अब इन 5 के लिए वो टीचर 1 घंटे 1.5 घंटे फिर से उतनी एनर्जी नहीं खर्च करेगा, फिर वो भी क्या करेगा कि खाना पूर्ति करने लगेगा, आधी अधूरी बात बता देगा, मोटी मोटी जो बात रहेगी वो बता देगा, बाकी जो समझाया वो तो कुछ नहीं बताएगा, तो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर टीचर भी सामने बैठा रहता है, बच्चे भी सारे बैठे रहते हैं और वो वीडियो फिर से चलता रहता है,
तो टीचर जो है फिर पूरी बात समझाता रहता है और बच्चों को बोल देता है कि जाओ जो चीज़ें ना समझ में आई वो बोर्ड पर जाकर बोलो कि मुझे ये पॉइंट नहीं समझ, तो वो रोकता है वीडियो को, रोकने के बाद उस चीज़ को बताता है ये आप समझ रहे हो कि नहीं, ये माइक्रो टीचिंग है, ये डीलेड में बहुत सारे कॉलेज में करवाई जाती, मेरे यहाँ करवाई गई थी, वो बहुत सेम चीज़ें हुई थी, इसीलिए पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रही हूँ कि क्या होता है और चेक करने के लिए बताए हुआ क्या था। अब तो आप लोगों को तो अब पूरी बात बता देती हूँ, सुन लो। डायट के 3 टीचर मेरे कॉलेज में आए थे, डायट जिस जिले से मैं कर रही थी, ठीक है, मैंने भी प्राइवेट किया है। डायट से 3 आए थे, एक मैथ के थे, एक साइंस के थे और एक मनोविज्ञान के, ये 3 टीचर थे। अब क्या हुआ कि ये 3 टीचर वहाँ से भेजे, कहते कि आप हर जाके एक एक हफ्ते 15-15 दिन एक कॉलेज में करो, ठीक। अब वो टीचर पढ़ा रहे थे तो उनका जो वीडियो था वो ऐसे ही पूरा रिकॉर्ड करके, वो रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा था कि उनको जाके डायट में सबमिट करना था। तो वो टीचर ने पढ़ाया, 3 बच्चों को आया, वो ठीक, वो प्रश्न पूछे, फिर पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो जो बता पाए नहीं बता पाए तो वो बच्चे बोल दिए कि हमें नहीं आया, तो उनको फिर से बताया गया। तो ये सभी के स्कूलों में नहीं होता है, सॉरी, समझ रहे हो ना आप, सभी के कॉलेज में नहीं होता है। इसीलिए कॉलेज बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती है, अगर वक्त रहे तो ज़रूर जाइए, इसीलिए टीचिंग लगेगी सबकी तो ज़रूर जाइए, 10 बजे से रहना, 8 बजे 9 बजे से रहेगा, 10 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक ज़रूर जाइए, एक सेमेस्टर ज़रूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर। तो यही माइक्रो टीचिंग है, मैंने एक बार की थी, 15 दिन के लिए वो टीचर आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने किया, सेकेंड थर्ड में तो नहीं गई, कभी नहीं गई, बस वैसे ही गई, कभी वैसे टेस्ट देने गई। फर्स्ट सेमेस्टर में खूब अच्छे से गई, सब कुछ किया, सब कुछ जाना, सारी चीज़ें जान गई, एक्सपीरियंस हो गया। तो क्या हुआ, वो टीचर आए पढ़ाए, जिसको समझ में आया नहीं है, अब माइक्रो टीचिंग लिखनी होगी, कोई चीज़ बताना होगा, तब इतना हिंदी के शब्द हम पढ़ते ही रहते हैं कि हम उसको बनाकर लिख लेते हैं, फिर हमें ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यही सिंपल सी बात। इसीलिए बोलती हूँ कि हर चीज़ को लोकली समझो, क्योंकि लोकल भाषा में है, उठ बैठ रहे हो, खा पी रहे हो, तो वो चीज़ें हमें याद रहें। तो अब माइक्रो टीचिंग समझ गए, हर जगह होती है, अलग अलग तरीके से होती है, कभी कभी ये माइक्रो टीचिंग कहीं कहीं अलग तरीके से इसलिए होती है कि जैसे अब किसी कॉलेज में बुलाया जाए, किया जाए, तो जो बच्चे निकल चुके रहते हैं, जैसे हम लोग हैं, मेरे पहले कुछ बच्चे थे, तो हम लोगों भी कभी कभी माइक्रो टीचिंग के लिए उसी सेम कॉलेज में जो है 2 बार मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं भी गई थी, जो सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग था तो मैंने भी 1 घंटे पढ़ाया, अपने जूनियर को 2-3 साल छोटे जूनियर को उनको पढ़ाया, तो कॉलेज वाले दूसरे कॉलेज में नाम दे देते कि फला बच्चा मेरे यहाँ का पढ़ा हुआ है, अगर आप इच्छुक हैं तो इनको माइक्रो टीचिंग के बुला सकते हैं। तो ऐसे कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, कोई चार्ज नहीं, बस अपने उसके लिए जाते हैं लोग, ठीक है, समझ में आया, क्लियर। ये बातें थी जो बताई, चलो आ जाओ अब बीके पासी जी का एक इनका क्या है इनका समझ लेते हैं। इन्होंने बोला कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी प्रशिक्षण की तकनीकी है जो छात्र अध्यापक से या अपेक्षा रखती है कि वो किसी तथ्य को थोड़े थोड़े छात्रों को कम समय में विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे सकें। मतलब कोई टॉपिक है, छोटा बड़ा है, उसको तोड़ तोड़ के आप समझाओगे तो चीज़ों जल्दी समझ में भी आएंगी और समय भी कम लगेगा, बच्चे सीख भी लेंगे, क्लियर यहाँ तक। आइए फ्रेंड्स एक और देखिए, तो इन्होंने BM सोर महोदय ने कहा कि सुशिक्षण कम अवधि, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है। ये कम समय वाला, कम छात्रों को और कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति, इसमें बहुत एक्टिविटी वगैरह नहीं होती, बस सिखाया जाता है, बताया जाता है और कम समय में ये जो शिक्षण है ना बड़े बच्चों के होता है, छोटे बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसमें 1-2 बार बताया जाता है, बार बार नहीं बताया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, अब इसकी विशेषताएं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्लास कैसी लगी आप सभी अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा। माइक्रो टीचिंग अब आपके दिमाग में बैठ गया, क्या समझे माइक्रो टीचिंग से, एक छोटी सी लाइन लिख के सभी लोग टास्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है, आपने क्या समझा। कोई दिक्कत होती है पूछिए, मिलिए, दिक्कत होती है तो बताइए, कमेंट बॉक्स करिए, मेल करिए, आपको सोल्यूशन आपको मिलेगा। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी वो फ्रेंड्स नोट्स परचेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, अगर उनके पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का तो, अदरवाइज है तो आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।